राजधानी पटना को पेरिस बनाने के लिए सरकार के तरफ से कई तरह के दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत धरातल पर कुछ और है। हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और कहा जा सकता है कि काफ़ी पॉश इलाका है, लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने राजधानी में जल जमाव की स्थिति हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए गांधी मैदान मौर्या होटल के पास है, किस प्रकार से जो स्थितियाँ हैं वो जलमग्न हो चुकी है। सरकार के तरफ से जब भी मौसम आता है बरसात का तो कई तरह के नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की जाती है, करोड़ों तरह के खर्च करने के दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई धरातल पर उतरनी चाहिए थी वो नहीं उतर पा रही। और देखिए किस प्रकार से पटना का ये जो काफ़ी पॉश इलाका है ट्विन टावर, उसके बाहरी परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से जलमग्न की स्थिति हो गई और लोगों को कहीं ना कहीं आने जाने में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटों की बारिश में पटना की तस्वीर कहीं ना कहीं बदल गई है। उसके बाद आप देखिए नगर निगम की जो जेसीबी की टीम है वो यहाँ पे पहुँची है, लगातार जलमग्न जो स्थिति है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी पटना में अगर ये स्थिति है, लगातार नगर निगम सरकार के तरफ से दावे वादे किए जाते हैं कि पटना को सुंदर बनाया जाएगा, पेरिस बनाया जाएगा, लेकिन जब सच्चाई की बारी आती है, जब स्थितियाँ देखने की बारी आती है तो तमाम इनके दावे वादे सिर्फ हवा में ही साबित होते हैं। और कहीं ना कहीं राजधानी में कुछ घंटों की बारिश से तस्वीर राजधानी पटना की कहीं ना कहीं बदल गई है। रोहित, NBC 24 पटना।